Why, how would a Nigerian lawyer fight? As per the law. As per the fucking law. Stop thinking that I am a racist man. A Nigerian lawyer will fight as per the law. He will argue as per the law. Your Honor. My client is not wearing the sentence that you gave him yesterday. As you can see, the witness first said that my client stole his plastic water bottle sandals. But right now I can see that the witness is himself wearing the same plastic bottle sandals. Then who took it? मेरा ना एक स्कूल में दोस्त था और जब भी उसको कभी टीचर बोलती थी ना लक्ष्य प्लीज स्टैंड अप व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वो भाई शक्लें बनाने लग जाता था कि उसको मतलब वो ही इज लाइक रियली फोकसिंग ऑन द क्वेश्चन बोर्ड को देख के भाई एक पॉइंट के बाद ना वो शक्ल शक्ल नहीं लगती थी भाई वो ऐसा लगता था कि वो जो है ना अमेरिका में आइस वाले इमिग्रेशन वाले वो आ गए और किसी मेक्सिकन को पकड़ लिया भाई ए पोर्के Porque ish no no habla inglés passport visa I can fix the cars Honda Civic the Toyota Daddy not now son Daddy? Not now, son. Dad? Not now, son. Son. Hanji, hanji, de do muh mein lolo. Hai bolna bahut kuch par muh mein. Mujhe nahi karna sex kyunki four pill. Kam kar hi deta jaise muh mein. Banda boy cut rapper iske muh mein. आपकी जो मम्मी पापा है कभी भी उनकी लड़ाई होती है टेक मैटर इन योर ओन हैंड्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके मम्मी पापा लड़ रहे हैं आपको जाना भी उल्टी सीधी हरकतें करनी है यू हैव टू इंश्योर कि आपके मम्मी पापा लड़ रहे हो तो वो दोनों अपनी लड़ाई छोड़े और बोलते बहन चोद ये है चूतिया मैं ना एक बंदी के साथ मतलब मेरा मतलब कुछ हुकअप वाला सीन हुआ था ठीक है उसने बोला था कि उसका शायद लास्ट डे है पीरियड का ठीक है अब भाई हम कर रहे हैं और एकदम से मैं देखता हूँ जो व्हाट द फक अब मैं ऐसे प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मतलब कुछ देखा ही नहीं मैंने मेरे दिमाग में पूरे टाइम बस यही चल रहा था लाल है पूरा ठेला लाल है लाल है ओपिनियंस ऑन एनीमे ये एक बहुत सटल तरीका होता है ये बोलने का कि जब दूसरे लोग सेक्स कर रहे थे मैं घर पे टीवी देखता था समझ रहे हो अब मैं जानता हूं बहुत सारे एनिमे वॉचर्स एंड एवरीथिंग वुड क्रिटिसाइज मी कि ऐसा कैसे कह सकता है ऐसा नहीं है मैं एनिमे देखता हूं और मैं बहुत सेक्स करता हूं यस एग्जैक्टली तू बहुत सेक्स करता है एनिमे अगर तू देखता है बट उन्हीं के साथ जो दूसरे लोग एनिमे देखते हैं तुम लोगों का एक अलग सा ही सिस्टम चल रहा है जैसे वो स्कूल में नहीं होता था चार पांच लोगों का एक ग्रुप होता था वो बड़ा एलीट सा लगता था उनको और वो बस एक दूसरे को चोदते रहते थे दैट इज द होल एनिमे ग्रुप आई वुड से और कुछ नहीं है मैं तो यही तभी फ्रेंड जोन अगर हुआ हूं तो मैं यही करता हूं मैं पिट रहा हूं किसी से मैं अपनी उस बंदी को कॉल करता हूं जिसने मुझे फ्रेंड जोन किया भाई यार आजा भाई सीन हो गया बहन चोद भाई सीन हो गया भाई आ जा भाई वो बंदी आई क्या हुआ छह सात लड़के हम दोनों को एक साथ पीट रहे हैं हम सबको पीट रहे हैं हम दो को पीट रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ ऐ बहनचो साथ में पिटे हैं बहनचो भाई है तू ये होती है भाई दोस्ती अगर उसने करी है वो निभाएगी मैं कह रहा हूं अगर आपको किसी बंदी ने फ्रेंड जोन किया है वो अपनी दोस्ती निभाएगी देख लेना मैंने एक दिन पूछ लिया भाई आपको खाने के बाद क्यों सुट्टा पीना है बोलता भाई खाना पच जाता है हम तो चूती हैं भाई
रसोई में खाना पकाते हैं, अब चूल्हा हटा ही देते हैं, आपको कच्ची सब्जी खिला देते हैं, आप धुएं से पका लिया करो पेट में। I think this guy had a glow up or a glow down? Glow up. Do you want to see what he looks like right now? Yeah. Okay. इंडिया में ना पत्थर उठा के फेंकना ना बहुत पॉलिटिकल हो गया है अब। बुरा मुझे लगता कश्मीरी कुत्तों के लिए। भाईजान हम तो सड़कों पे आते ही नहीं है। मैं सही बोलूं हम सड़कों पे आते ही नहीं है बिकॉज वी डू नॉट नो कि कैसे कब ये लोग पत्थर उठा ले और फेंक दें। हमें पता ही नहीं है सर, हम गवर्नमेंट के साथ हैं या नहीं उससे क्या फर्क पड़ता है। हमें ये लोग पत्थर मारेंगे इधर वेज। हम लोग सारे के सारे साइड में रहते हैं। She was like, Arpit, what do you love about me? I said, you're beautiful. And she's like, no, that is not something that you can love. It's like, thank you, Lordy. And then, no, tell me, what do you love about me? She's like, I'm trying to be poetic. I love your smile. No, that is not something that you can love. I'm trying to be poetic. What do you want from me? And then she was like, no, Arpit, tell me, what do you love about me? And in my mind, I had a thought that if मेरी आंखें चली जाए, इफ आई गो ब्लाइंड, क्या मैं इस लड़की से प्यार करूंगा? एंड देन आई फकिंग रियलाइज आई डिड नॉट लव दिस वुमन। हियर्स माय इंप्रेशन ऑफ अ पंजाबी वुमन कैचिंग हर दामाद चीटिंग। संजू यू फकिंग बास्टर्ड, तू की किदा कुड़ी नाल। संजू यू फकिंग बास्टर्ड, तू की किदा कुड़ी नाल। हाँ हाँ No, no, baby, please do not cry, babe. Don't cry. Oh, you fucking bastard, Pancho. Huh? You thought you're innocent, huh? Huh? No. Please, girl. Do not cry. Tell me. Right now, tell me. You guys are having an affair. Isn't it right? You fucking bastard, Sanju Pancho. पर्सनैलिटी कैसे सुधारूं क्योंकि 21 साल से सिंगल हूं और कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाऊं। भाई यार वंश भाई बुरा मत मानना, बट सिंगल या मतलब कमिटेड होने से आपकी पर्सनैलिटी का कुछ वो नहीं होता। मतलब मैंने देखा है चूतिया से चूतिया आदमी भी भाई अच्छी लड़कियों के साथ में घूम रहा होता है जस्ट बिकॉज वो मतलब वो औरत चूतिया होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इडियट्स, ये सारी पिक्चरें देख के, इम्तियाज़ अली की दो चार पिक्चरें देख के ना लोग प्रोफेशनल कोर्सेज को फालतू में बहुत गालियां देते हैं कि मैं फंस जाऊंगा एक रैट रेस में फंस जाऊंगा। पापा आप समझते नहीं हो, मैं एक रैट रेस में फंस जाऊंगा, फिर मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मेरे को स्टैंड अप कॉमेडी करनी है, मुझे आके इंस्टाग्राम कॉमेडियन बनना है। दी आयरनी है ना। भाई एक्स से दोबारा बात स्टार्ट करने का मन कर रहा है। इट्स बिन ऑलमोस्ट 6 months, बट आई स्टिल मिस हर। एनी सजेशंस? आई थिंक यू शुड ड्रॉप हर अ टेक्स्ट एंड बी वेरी कैजुअल अबाउट इट, लाइक हे हाउ आर यू डूइंग। आई नो वट एवर हैपन्ड एंड एवरीथिंग, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू नो हाउ यू आर डूइंग। कैसे हो आप, क्या करते हो आजकल, एंड आर यू डेटिंग समवन? Are you dating someone? आपने मेरे को इतनी जल्दी भुला दिया? हफ्ते भर के रिलेशनशिप को तूने 2 महीने में भुला दिया। बहुत पछताएगी तू बहने की लौड़ी। और उसके बाद आपको क्या करना है? हर दूसरे महीने उसको एक वीडियो भेजनी है जिसमें आप अपने सर के ऊपर खाली ट्यूबलाइट फोड़ रहे हो, कांच चबा रहे हो। हाउ टू डील विद नॉर्मीज, खुद ही जोक में हंसते बहनचोद। भाई पहली चीज छोड़ दो भाई सुपीरियर फील करना, क्या हो जाएगा, इंजॉय कर ले थोड़े मोमेंट्स। अगर कोई बोल रहा है अबे साले हंस दे भाई, क्या दिक्कत है, तुझे इतनी नीश चीजें पता है, उसको दिमाग में रख के उसको अप्रिशिएट करके तूने क्या उखाड़ लिया। मैं समझ सकता हूँ तेरे को कदर है आर्ट की, तुझे कदर है ह्यूमर की एंड एवरीथिंग, बट
इट डजंट मेक सेंस, क्या फर्क पड़ता है भाई। एक बंदी से बात हो रही है 4 दिनों से, रोज रात को मुझे अच्छी लगने लगी है, आज मन करा वापस बात करने को, कैसे बोलूं, गांड फट रही है भाई। टेक्स्ट कर दे, क्या कर रहे हो भाई, क्योंकि आदत सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ी लग रही है। आप रोज एक हैबिट किसी के साथ करोगे, उसके दिमाग में भी आएगा हाँ भाई कल भी तो इसके साथ करी थी बात, हो जाएगा। इट्स ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं आई एम बिजी टुडे, ठीक है मैं जा रहा हूं मरने, देख लो देख लो, मैं जा मैं देख मैं मेरे को नहीं है भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे सामने कोई पॉलिटिकली चार्ज्ड एक्सट्रीम ओपिनियन कोई थ्रो करने लगता है ना, तो मैं बहुत गलत बंदा हूं एज अ लिसनर। क्यों? क्योंकि मैं हूं पॉलिटिकली नॉट चैलेंज्ड आल्सो, मैं बस हाँ में हाँ मिला देता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बंदा इतना ज्यादा इमोशन से ऑपरेट कर रहा है, और उस इमोशन को सब्सटेंशिएट या फिर कॉम्पनसेट करने के लिए वो फैक्ट्स इतने ज्यादा फेंक रहा है। Then they did this, and then they did that, and then you did not say about that, and then you did not say about this. और वो ऐसी चिल्ला रहे होते हैं और मैं बस बैठा होता हूं कि मैं अब मैं क्या बोलूं, क्योंकि मतलब मैं फैक्ट्स या फिर कुछ भी बोल दूंगा बट आई वॉन्ट बी एबल टू मैच दैट एनर्जी ना। अब उन्होंने तो एक स्टेज सेट कर दिया ऐसे करके गरम, तो जैसे अगर मैं कभी गाड़ी में बैठा हूं और बंदा है कोई भी एकदम से बोलता ना भाई मोदी, पूरी आवाज सुनने से पहले ना मेरे को यह गेस करना पड़ता है इस बंदे का सरनेम क्या है, जस्ट टू अंडरस्टैंड ये लेफ्ट है या राइट है। फिर मैं ऐसे गेस वर्क करता हूं, खान लेफ्ट नहीं, सिंह राइट, खान लेफ्ट, ओ नो ये तो यादव है सेंटर, फुल ऑन भाई वो चक दे इंडिया वाला सीन आ जाता है भाई मेरे दिमाग में। भाई ये देख रहे हो ये कपड़े महंगे हैं, अंदर से आदमी कैसा हूं मैं, नीच गलीच पागल रिटार्डेड खोखला शैलो। ये क्या है मसाला डोसा कहते हैं, टीचर्स डे होके गालियां दे रहे हो, आई एम हर्ट, क्या ये कह रहे हैं टीचर्स डे पे टीचर गाली नहीं दे सकता, तो बाकी किस दिन दे सकते हैं, संडे है ना संडे या फिर घर आके बीवी को। हाँ हाँ होगी खुशी जो ना तेरी नजर में ना लग जाए नजर, जिसकी बाहों से जलता मैं आशिक तो मैं भी तो तेरा हाँ, आखिर में खेली है ऐसा की बाजी अब उसकी, तो जीने दो उसको जो छूता तुझे, मैं करवट बदलता बदलू मैं खुद को, हाँ भूला मैं भूला ये सब कुछ।